Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गाइज़ वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मंकी इंडिया और मेरा नाम है अक्षय तिवाल। तो आज हम जा रहे हैं कोविड टेस्टिंग करवाने क्योंकि मेरे को थोड़ी सी कफिंग है और बस चलते हैं क्योंकि घर से ज़्यादातर मैं ही बाहर निकलता हूँ तो मुझे टेस्ट कराना बनता है और चलते हैं फिर देखते हैं। बाहर आ गए हैं और यार धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस क्या ही करें। पर मैं मास्क ये वाला पहन के आ गया हूँ क्योंकि ना जो दूसरे वाला मास्क है ना उसमें थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होती है, सफोकेशन होती है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना अभी एंट्री से ही कर रहा हूँ क्योंकि यार माइक लगा के ना एक्शन कैमरे में ठीक लगता है, बाइक चलाते हुए ऐसे लगा के चलूँगा ना सवारी अगर दिखेंगे कुछ पता नहीं लोग क्या करते हैं। अभी अभी न्यूज़ देखी थी तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह जी, उन्होंने बोला कि इस ईयर के एंड तक में कोविड की वैक्सीन आ जाएगी। तो होप आ जाए और जल्दी जल्दी यार इन तक की छुटकारा मिले। और बाहर आओ तो यार विदाउट मास्क मत आना, एक तो आपकी सेफ्टी के लिए भी है कोरोना ना लगे एंड सेकंड ये है 500 रुपये की चलान कट रहे दिल्ली में। और सैनिटाइज़र लेके ही आओ और हो सके तो ज़्यादा बेमतलब में किसी जगह को टच मत करो। अपना जो इंडिया है ना वो कोविड में जो हमारे जो निकल रहे हैं लोग 30 लाख से ऊपर पहुँच ही गए हैं और वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आ रहा है। जल्दी जल्दी यार ख़त्म हो जाए बस परेशान हो। एंड अगर आप लोग टेस्टिंग कराने जाते हो तो ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे तो गवर्नमेंट की फ्री होती है, पहले 5,000 रुपये ले रहे थे और गलत रिपोर्ट आ रही थी। और आप टेस्टिंग कराने जाते हो तो अपना आधार कार्ड या अपनी कुछ आईडी लाइक वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले जाओ हो जाएगी। अरे गाय माता आशीर्वाद देना, नेगेटिव है। इतना ध्यान भी नहीं दे रहे अब कोविड के ऊपर, विदाउट मास्क निकल रहे हैं। अपने नहीं तो फैमिली के लिए सोचते क्योंकि आपके अगर मम्मी पापा भगवान ना करे होता है तो उनको थोड़ी सी रिस्क हो सकता है क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होगी तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग खुद ही प्रिकॉशन लो क्योंकि जो हम लोग होते हैं हम ही लोगों को बार बार निकलना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, सारा सामान हम ही लेके आते हैं घर के बाहर। मैं तो ज़्यादातर सारा काम मैं ही करता हूँ, मुझे देखना पड़ता है। ऑलराइट पहुँचने वाले पहुँच गए, कह रहे थे 10 से 12 बजे तक होता है और हम आए हैं 4 बजे। कोई नहीं कल मिलते हैं आपको। वेलकम, गुड मॉर्निंग, डे 2 फिर से जा रहे टेस्टिंग करवाने। कल तो लेट हो गई थी और अभी टाइम हो रहा है 10:30, चल रहे हैं वहीं मिलते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो कर दे करो यार, पैसे थोड़ी लगते हैं, फ्री का होता है, कर दो फिर जाओ। शायद से यार मेट्रो भी चालू हो जाएगी, कल न्यूज़ में भी आ रहा था मेट्रो की सफाई वफाई चल रही थी, हो जाएगी जल्दी जल्दी बोलते रहे हमारे केजरीवाल जी। अरे यार आई थिंक लाइन लग रही है यहाँ पे, लाइन लगी हुई है नहीं 29 लिखा हुआ है, तो अपना नंबर है 29 आएगा फिर करवाते हैं। आंटी ने अभी सोशल डिस्टेंसिंग के स्थिति कर रखी है ना, कहीं भी सुबह जाते हैं लोग बात तक कर रहे हैं और आए कोविड टेस्टिंग कराने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। पता नहीं क्या डर लग रहा है, चेकअप के लिए भी डर लग रहा है पता नहीं। आँखों में से आँसू आ गए, पता नहीं दिख रहे दिख रहे पूरा अंदर तक देख के घुमा दिया, हाल हो जाना खराब सी हो गई पर पहुँच गए।
यार पता नहीं कैसे बताऊं, लेकिन है ना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये नेगेटिव भाई नेगेटिव, बारिश होने वाली है और बारिश होने वाली है और जाके सैनिटाइजर करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, मिलते हैं।